हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। मध्य प्रदेश पीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसीज दी थी, आप लोगों ने देखा ही होगा। यहाँ पे कुल मिला के 36 डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग वैकेंसीज आई थी, मतलब अलग अलग विभागों के लिए। अब इसमें एमपीपीएससी ने एक नया नोटिफिकेशन ये दिया है कि सहायक प्राध्यापकों के पदों की पूर्ति हेतु परीक्षा 2022 में अधिकारी अंकों में, मतलब जो क्वालिफाइंग मार्क्स थे, उसे 5% अंकों की छूट दी गई है। अब देखो, ये छूट किस संदर्भ में देगी इसको हम जानेंगे, लेकिन पहले नोटिफिकेशन देख लेते हैं, उसके बाद में पुराना नोटिफिकेशन भी आपको दिखाऊंगा, जो कि ऑफिशियल तरीके से जो 36 नोटिफिकेशन आए थे उनमें से कोई भी एक नोटिफिकेशन खोल के मैं आपको दिखाऊंगा कि बेसिकली कहां पर ये डिस्कस किया गया था। बट उससे पहले देख लेते हैं क्या इन्होंने बोला है। तो पहली बात इन्होंने बताया कि 16/2022 से लेकर 53/2022 कुल मिला के 36 विज्ञापन यहाँ पे जारी किए गए थे। दिनांक 30/12/2022 को, मतलब 30 दिसंबर 2022 को जारी किए गए थे। अब देखो यहाँ पे इसमें इन्होंने बोला है कि जो काफी इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के पद क्रमांक, ये क्रमांक दिया है दिनांक, और लेखानुसार यूजीसी का राजपत्र प्रकाशन है सूचना दिनांक 18/7/2018। अब देखो 18/7/2018 की जो कंडिका है 3.41, इनके अनुसार अरतायम सामाजिक न्याय दिव्यांगजन कल्याण विभाग राजपत्र दिनांक कितने के अनुसार उक्त विज्ञापनों की कंडिका 2G5 में कंडिका 3 अनुसार संशोधन किया जाता है। अब देखो यहाँ पे आपको समझना है कि ये जो चीजें पहले भी आप देखेंगे नोटिफिकेशन में दिया हुआ था, यहाँ पे यूजीसी का राजपत्र प्रकाशन सूचना दिनांक 18 जुलाई 2018, तो इसको रेफरेंस पहले भी दे रखा है। अभी हम इसको देखेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं बेसिकली चेंज क्या किया है, पहले उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम उसको देखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सीधी भर्ती हेतु अर्हता के उद्देश्य और बेहतर शैक्षणिक रिकॉर्ड के मूल्यांकन के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रिमिनल, दिव्यांग, अब दिव्यांग में कई सारे दिव्यांग कवर किए गए हैं, दृष्टिबाधित एवं कम दृष्टिबाधित, बहरे और कम सुनने वाले, लोकोमोटर डिसेबिलिटी इसमें सम्मिलित हैं, सेरेब्रल पल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बोनापन, एसिड अटैक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर 5% की छूट प्रदान की जाएगी। अब देखो यहाँ पर क्या था, पहले था पात्रता में 55% अंक आपको लाने थे, लेकिन अब यहाँ पर 5% की छूट दी जाएगी, मतलब 50% में भी आप क्वालिफाई कर जाओगे, है ना। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें जहां पर ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता है, जहां पर ग्रेडिंग पॉइंट होती है, उसमें भी पॉइंट स्केल के समतुल्य ग्रेड में यहाँ पर 5% का आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो ये चीज यहाँ पे लिखी है। अब आप बोलोगे पिछले वाले में क्या था, देखो पिछले वाले में जो लिखा था उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विभिन्न शारीरिक विकलांगताओं वाले, ये शारीरिक एवं चातुर्स तौर से पृथक रूप से विकलांग, बस इसके लिए बस कवर किया था। पहली बार शारीरिक विकलांग में सारों को कवर नहीं किया था, सिर्फ दो को ही कवर किया, और इसके अलावा SC ST OBC को इसमें कवर नहीं किया। तो OBC को बेसिकली यहाँ पर 5% की छूट देने का प्रोविजन जो है इस नए नोटिफिकेशन में जारी किया है, तो ये चीज यहाँ पर देखने वाली बात है। तो ये आप लोग याद रखेंगे, लेकिन यही याद रखना एक और है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को किसी भी तरह से रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है, है ना। यहाँ पर केवल और केवल SC ST OBC और दिव्यांगजन जो है उनको ही बेसिकली इसमें कवर किया गया है, इसमें किसी भी तरह से AWS कैटेगरी कवर नहीं किया गया है। तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है। तो ये मेनली नोटिफिकेशन है जिसके बारे में डिस्कस करना चाह रहा था कि यहाँ पे क्वालिफिकेशन मार्क्स में किस तरह सिलेक्शन दिया गया, किसको किसको दिया गया है। आई एम श्योर यू गॉट दिस पॉइंट। यदि आपके पास फर्दर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ऑफिशियल राम सोनी MPPSC, जो कि MPPSC के डेडिकेट प्लेटफॉर्म है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो जो क्वेरीज डाउट्स हैं वहाँ पूछ सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पर इसमें क्विज चल रही है जो MPPSC 2022 की तैयारी के लिए चलाई जा रही है, तो आप उसको जरूर उसमें पार्टिसिपेट करें, आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। तो मुलाकात करते हैं फिर आप लोगों से, फिर तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर।